सटा देना, ठीक है। जब ये सट जाएगा उसके बाद करना क्या होगा, अगले टिप्स पे ध्यान देना है और उसके बाद फंटी चलाना, ठीक है। इधर हाथ में दबाव नहीं देना, ये हाथ में दबाव देके आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर से न्यू वीडियो लेकर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लोरिंग टाइल्स में आप लेवलिंग कैसे कर सकते हो, लेवलिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, काम आपको कैसे शुरू करना, ए टू जेड जानकारी देंगे। बहुत सारे भाई लोग कॉमेंट कर रहे थे, भाई आप जब फ्लोरिंग टाइल्स लगाते हो लेवलिंग किस प्रोसेस से करते हैं, ये कमेंट ज्यादा आ रहा था। आज मैं आपको स्पेशल लेवलिंग करने का प्रोसेस बताऊंगा और फ्लोरिंग में टाइल्स लगाने का प्रोसेस बताऊंगा, ए टू जेड जानकारी देंगे, जिससे कि दोस्तों आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं तो ये जितेंद्र भाई की वीडियो देख ना आप 100% काम सीख जाओगे और समझ जाओगे कि कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे ये रूम है, ठीक है, ये रूम है और यहाँ पे देख रहे पुराना मकान है, ठीक है, इसी में लगाना है। यहाँ पे हम हर जगह जो है टोरवा दिए, जैसे कि देख पा रहे दीवार में भी 6-8 इंची टोरवा दिया, ये जमीन में भी टोरवाए हुए हैं, फुटकाए हुए हैं, हर जगह देख पा रहे हैं गड्ढा टाइप का है। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये हो, यानी कि ये पूरा एरिया जो है ना करीब 6-7 रूम ऐसा है जो कि ऑलरेडी ये पहले से नाला किया हुआ था और इसपे हम खुटका के लगा रहे हैं। और इसमें आपको क्या क्या प्रोसेस अपनाना, किस ढंग से आपको करना है, वो सारा नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना मेरे भाई। तो ले चलता हूँ वीडियो की ओर, उससे पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा जितेंद्र भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत करके जितेंद्र भाई आप लोग को वीडियो बनाकर दे रहा है, तो ये जितेंद्र भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले साइड पे पहुंचते हैं, जब काम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको लेबलिंग पाइप से करना है, ठीक है, पाइप से लेबलिंग करना है। पाइप से लेबलिंग करने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं हम हर जगह निशान लगाए हुए, देखिए इस तरह से चारों कोना में, ठीक है, चारों कोना में, यानी कि चारों कोना ही नहीं, आप जितना एरिया में फ्लोरिंग में टाइल्स लगा रहे हो, जितना लंबा चौड़ा एरिया है उतना सब में आपको लेबलिंग करना, ठीक है। आप पहले एक जगह निशान लगा लेना, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए पिलर में यहाँ पे निशान लगाए थे, ठीक है, यहाँ पिलर पे निशान लगाए थे और पिलर में निशान लगा के चारों बगल एरिया हर रूम में और हर डाइनिंग में और ये बेडरूम में हर जगह जो है एक साथ लेबलिंग कर लिए, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि सबसे हाइट कहाँ है। मान लीजिए हमको ये रूम का पानी जो है, इसका रूम का ढलान जो है हम ले जाना है वो डाइनिंग में, ठीक है, जब डाइनिंग में ले जाना है तो हमें ये चीज देखना है कि सबसे डाउन कहाँ पे है जमीन और सबसे हाइट कहाँ पे है जमीन, ठीक है। तो हमें लेबलिंग कहाँ से उठाना है, हाइट पर से। जैसे कि मान लीजिए इसका हाइट जो देखिए यहाँ पे आ रहा 19 इंची, ठीक है, यहाँ पे हाइट इसका 19 इंची आ रहा है। अगर हमको डाउन हो रहा है कहीं पे 21 इंची, ठीक है, कहीं पे मान लीजिए हमको डाउन वहां पे पानी का पॉइंट दे रहे हैं, देखिए वहां पे दे रहा है, तो वहां पे आ रहा हमको 21 इंची, ठीक है, वहां पे 21 इंची आ रहा है और यहाँ पे मेरा कितना है 19 इंची है, यानी कि 2 इंची का अंतर है। तो हमको लेबलिंग कहां से उठाना, 19 इंची पर से हमको लेबलिंग उठाना है, 19 इंची पे। 19 इंची पे हम क्या करेंगे, मसाला का मार्जिन लेंगे। सबसे पहले आपको मसाला का मार्जिन कितना लेना, जहां हाइट रहता है वहां पे आपको 1.25 इंची लेना टाइल्स फिनिशिंग, यानी कि आपको टाइल्स फिनिशिंग करके आपको 1.25 इंची लेना, ठीक है, हाइट जमीन का हाइट लेना। जैसे कि मान लीजिए ये 19 इंची है, ठीक है, मान लीजिए ये 19 इंची है, ये 19 इंची है, हमें क्या करना है, 1 इंच ऊंचा करेंगे, नीचे मसाला जो है 1.25 इंची देंगे, एक सूता टाइल्स रहेगा, ये आ जाएगा आपका 18 इंची। अब 18 इंची पर से आपको पूरे मकान में जो है ना मसाला देना है, 18 इंची पर से आपको मसाला उठाना है, 1 इंची आपको जहां ज्यादा हाइट रहता है वहां पे आपको 1 इंची पर लेना, वहां से आपको जो है पूरा मसाला हर जगह देना है, ठीक है। आप जिस प्रोसेस से ढाल दे रहे हैं उस अनुसार से आपको ले जाना होगा। अगर आप ढाल ले जा रहे हैं तो ढाल के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है हम 1 इंची ऊंचा लिए हैं, ठीक है, अब यहाँ से हमको ढाल देना, तो ढाल देना है तो वहां पर भी देखना पड़ेगा, वहां 21 इंची था, हम यहाँ पे लिया 18, तो वहां पर हमको क्या करना है, 19 पे करना, समझ रहे कि नहीं, यानी कि 1 इंची का ढाल दे रहे हैं तो वहां पे 19 पे करना। इस प्रोसेस से आपको पूरे लेबलिंग करना, जहां हाइट रहता है वहां से आपको लेबलिंग उठा के काम करना, समझ रहे कि नहीं। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लस्तर करना है, किस ढंग से टाइल्स लगाना है, वो सारा कुछ जानकारी देंगे मेरे भाई, सोचने की कोई बात नहीं है। आपको प्लस्तर करके टाइल्स लगा के उसके बाद फिनिशिंग दिखाएंगे कि आपको कैसे करना और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने मसाला बना लिया, ठीक है, ये मसाला बना लिया है। आपको करना क्या होगा, जहाँ भी आप टाइल्स लगाते हो तो इस तरह से आपको पहले जमीन में घोला पानी मार देना, जैसे कि देख पा रहे हैं पहले ऑलरेडी हम मार लिए थे, ठीक है, घोला मारने के बाद ही आपको मसाला इससे डालना है, नहीं तो फिर आपको छत की मजबूती नहीं लेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। घोला मार के उसके बाद मसाला बना लिया, मसाला इस तरह पर हमने ये फेतर करके थोड़ा सा आपको लाल लगता होगा, लेकिन ये हम 6 मसाला बनाए हुए, ठीक है, रूम में जब ये मसाला बनाते हैं तो 6 के देते हैं, ठीक है, यानी कि 6 बोरा बालू 1 बोरा सीमेंट देते हैं। देखिए देख रहे ऑलरेडी, हाँ मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको इसमें लेवलिंग ठिया कैसे मारना है प्लस्तर करने के लिए, ठीक है। आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम जो है ऑलरेडी जो है ठिया लगा लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लगा लिए हैं और यहाँ पे लगा लिए, यानी कि चारों कोना में जो है ऑलरेडी हम ठिया लगा लिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी लगा लिए हैं।
आप प्रोसेस रहता है, आप ठिया लगाने के नियम आपको क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जब आप ठिया लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है सबसे हाइट कहाँ है, ठीक है, वही हिसाब से आपको ठिया लगाना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है जीरो लेवल लगा रहे हैं, ठीक है, तो जीरो लेवल में हम 18 इंची पे हर जगह चारों कोना में 18 इंची पे जो है ठिया लगा लिया, ठीक है। ठिया लगाने के बाद आप प्रोसेस आता है प्लस्तर करने का, तो प्लस्तर करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ किस प्रोसेस से आपको करना है, ठीक है। आप देखिए मेरे भाई, अब हम यहाँ पे आपको प्लस्तर करने का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको प्लस्तर कैसे करना है। जैसे देख पा रहे होंगे इसका लंबाई 10 फीट है, ठीक है, मेरे पास ये फंटी जो है 6 फीट का है। आप देखिए हम इसमें प्लस्तर करते हैं, तो पहले आपको करना क्या होगा, अगले टिश पे ध्यान देना है और उसके बाद फंटी चलाना है, ठीक है। इधर हाथ में दबाव नहीं देना, ये हाथ में दबाव देकर आपको फंटी चलाना है, ठीक है। देखिए इधर मसाला का कट गया, आप देखिए आपको इधर फंटी चलाना, ठीक है। आप देखिए मेरे भाई इधर साइड भी कटिंग हो गया मसाला, आप क्या करना, बीच में देखिए ये हाफ डाउन हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ में बैलेंस रख के आपको बीच में से मसाला कटिंग करना, ठीक है। और ये मसाला कटिंग करते हुए आपको वो टिप्स के ओर जाना, ठीक है, टिप्स के ओर जाना मसाला कटिंग करते हुए बीच में से। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आपको आगे किनारे जब फंटी चला रहे हो तो आगे किनारे मसाला नहीं कटना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखिए ये साइड से हो गया, फिर आपको ये साइड आना। अब देखिए मेरे भाई मसाला यहाँ पे बराबर हो गया है, अब आपको क्या करना है, ये जो मसाला किनारे बचता है इसको साइड कर लेना आप। अब देखिए एक बार आपको फंटी नचा के इस प्रोसेस से देख लेना, फंटी नचना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपका फंटी नचेगा तो आपका प्लस्तर खराब रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना, फंटी नचा के देख लेना, फंटी नहीं नचता समझ लीजिए आपका प्लस्तर परफेक्ट ढंग से हो गया। अब इसी प्रोसेस से आपको उल्टे साइड दीवार में भी आपको करना है। आप देखिए मेरे भाई इधर और इधर दोनों तरफ टिप्स लगा लिया, आप क्या करना है, बीच में से इधर के साइड से आपको प्लस्तर करते हुए बाहर के ओर निकल जाना। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो है टिप्स नहीं कटना चाहिए, ना इधर का कटना चाहिए ना इधर का कटना चाहिए, आपको फंटी आपको हाथ में बैलेंस लेकर चलाना है, ठीक है। देखिए पहले आपको एक बार इधर फ्रेश करना है, फिर दोबारा आपको इधर से फ्रेश करना है, उसके बाद आपको बीच में से कटिंग करते हुए निकलना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी जो है हम यहाँ पे टाइल्स बिछा लिए प्लस्तर करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपको गेट पर से समूचा पीस लेके चलना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहां पे गेट पे हम समूचा पीस रखे हैं, एक लाइन सीधा कर लेना उधर, उसके बाद आपको इधर से गुनिया कर लेना, ठीक है, ये गुनिया हो गया। अब गुनिया करने के बाद आपको कैच जब मारेगा दीवार में तो आप देख पा रहे यहाँ पे इतना गैपिंग आ रहा है, 2.5 इंची गैपिंग आ रहा है, तो उधर से आपको 2.5 इंची पे निशान मारना है, उसके बाद सूता से इस प्रोसेस से पटक लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नील लगा के धागा मार दिए हैं, अब क्या करना है उसको कटिंग करके फिर से आपको दीवार में उसको सटा देना, ठीक है। जब ये सट जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें घोला देके उसको लगाना, ठीक है। तो लगाने का क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे वो चीज भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हैं जितेंद्र भाई आपको जो भी जानकारी देगा परफेक्ट देगा और सही प्रोसेस से आप काम कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई हम इस प्रोसेस से यहाँ पे टाइल्स बिठा लिए हैं, बिछाने के बाद आप जो है इसको फिटिंग करना, ठीक है। ये अभी कच्चा किया इसी रख दिए थे, और ये चारों पर हम इसलिए यहाँ पे ऐसे कर दिए हैं ताकि यहाँ पे देखिए इधर भी कटिंग आ रहा था उधर भी कटिंग आ रहा था, दोनों साइड कटिंग आ रहा था, जिसकी वजह से लाइन का अभी डिस्टर्ब चल रहा है, त्योहार का टाइम है लाइन का डिस्टर्ब चलता है, ठीक है, क्योंकि पंडाल उंडल बन रहा है तो एक एक घंटा दो दो घंटा लाइन कट जाता है, तो लाइन अभी था फिलहाल में, इसलिए पहले हम बिछा लिए चारों बगल से, उसके बाद जो है किनारे किनारे कटिंग कर लिए, ठीक है। और इससे एक फायदा और हो जाता है कि काम तेजी में खिंचाता है, समझिए कि नहीं, लाइन रहते हुए अगर कटिंग नहीं करोगे तो गलती भी आप ही का है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर लाइन रहता है तो पहले आपको कटिंग कर लेना है, जिससे देख पा रहे होंगे हम इस तरह से कर लिए, अब इसको लगाना है, तो लगाने का प्रोसेस क्या वो सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा सा भी मिस करोगे ना तो ये प्लस्तर है, ठीक है, ये प्लस्तर पे अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे ठोकने के में तो आपका जो है आवाज आ जाएगा, एयर बन जाएगा, समझ रहे ना, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, और कैसे क्या आपको करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपको घोला जो है ना मीडियम साइज में देना, पतला भी नहीं देना है आपको, गाढ़ा भी नहीं देना, ठीक है, मीडियम साइज में घोला देना है ताकि आपका मसाला जो है गीला हो जाना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपको खांचा लगाना है, तो एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि प्लास्टर के ऊपर जो है ना मसाला नहीं चढ़ना चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइनिंग में आपको लगाना है, ठीक है, इस प्रोसेस से, ताकि मसाला ऊपर नीचे होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, बैठेगा नहीं सही से, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखिए मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, ठोकने के बाद आपको फंटी से चेक कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर दीवार डाउन हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना, फंटी से चेक कर लेना एक लाइन, उसके बाद आपको सभी को बराबर से ठोक देना है। अब देखिए मेरे भाई, आपको इधर से आपको ईट लगाने के बाद आपको एक बार फंटी देख लेना, ये नचना नहीं चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस से देख लेना, उसके बाद आपको एक बार इधर से भी देख लेना, ठीक है, इस प्रोसेस से ऐसे देख लेते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका बराबर है, नहीं तो होता क्या है जानते हैं, अगर आपको दीवार देने एक सूता 2 mm 4 mm डाउन हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो एक चीज पहले आपको एक लाइन लगाने के बाद आपको चेक कर लेना, उसके बाद आपको दूसरे लाइन से शुरू करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑलरेडी ये जो रूम है लग के तैयार हो गया, आप देख पा रहे होंगे इसका फिनिशिंग और इसका ग्लेजिंग, आप देख पा रहे होंगे इस प्रोसेस से ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक रूम इधर हो गया और दूसरा रूम इधर जो है कंप्लीट हुआ, जैसा कि देख पा रहे होंगे अभी इसमें सफाई चल रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस से